हेलो गाइस, वेलकम टू एडुअंकुरन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा कि नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो भाषा वैज्ञानिक लोग हैं, भाषा विद्वान लोग हैं, उनके मत के अनुसार पे उन्होंने कुछ शोधों पे, कुछ प्राचीन अवशेषों पे नागपुरी के उद्भव के बारे में हम लोगों ने देखा और एक कंक्लूजन भी निकाला कि देखिए, मागधी अपभ्रंश से तो निकला ही है, लेकिन कहा जा सकता है कि झारखंडी प्राकृत से नागपुरी का उद्भव 500 से 200 ईसा पूर्व तक युक्ति संगत प्रतीत होता है। ये डॉक्टर राम प्रसाद की बुक से लिया गया है, ठीक है, तो वो सब हम लोग देख लिए थे। अच्छा, उद्भव के बारे में तो हो गया था, उसके साथ ही साथ आप लोग को होमवर्क दिया गया था कि नागपुरी भाषा के विकास के बारे में आप लोग जो भी है, जितनी भी जानकारी है उसको लिखिए और हमें दीजिए, ठीक है। आप लोगों ने कुछ कुछ हमें भेजा, आज जो है एक स्टैंडर्ड आंसर आपके सामने रख दिया जा रहा है, इसी को आप लोगों को फॉलो करना है और इसी से क्वेश्चन, मतलब कि इसी तरह के वो आंसर राइटिंग करना है आपको मेंस में, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में सुविधा हो। नागपुरी भाखा कर विकास, तो नागपुरी भाखा कर विकास कर बारे में डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी कर अध्ययन ज्यादा सुसंगत है और उनकर नजरियाओं एकदम सफा है के, ठीक है, एकदम साफ और स्पष्ट नजरिया किसका है, डिफरेंट डिफरेंट भाषा वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अपना मत दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने किया है और उन्हीं के मत को हम लोग अभी जानते हैं। नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में एक कंप्लीट बुक ही उन्होंने लिख दिया है, ठीक है, तो उसी से ये पॉइंट्स आपको बना के भी दिया जा रहा है, उसी को हम लोग अभी फॉलो भी करते हैं और आगे भी कई सालों तक इसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो नागपुरी भाषा के विकास में किसने, डॉक्टर बीपी केसरी की जो बुक है उन्होंने अध्ययन किया है और इसी को ज्यादा सुसंगत माना गया है। तो उसमें बतलाया है ना कि कोई भी भाषा के, देखिए नागपुरी का ही नहीं, किसी भी भाषा का अगर विकास होता है ना, तो वो पांच स्टेजेस में होता है, चार स्टेज से गुजरता है तब फिर वो पांचवें स्टेज में पहुंचता है जिसका व्यापक तरीके से उपयोग होता है। तो वो चार स्टेजेस कौन कौन सा है सो बतला रहे हैं। कोनो भाखा अपन विकास कर डहर में पांच सीढ़ी से होके जाएला, आप लोग अपने तरीके से लिखेंगे, ये पॉइंट मैं आपको बतला दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्या है, संक्रमण बिंदु। संक्रमण बिंदु का मतलब क्या हुआ, पहले मैं ये बता देता हूं कि पहला हुआ संक्रमण बिंदु, दूसरा हुआ लोक भाषा और तीसरा हुआ शिष्ट काव्य, चौथा हुआ गद्य साहित्य और पांचवा हुआ व्यापक लोक उपयोग। तो इसको आप लोग ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी, डायग्राम के माध्यम से भी समझाइएगा, कुछ इस तरह से बना के रखा गया आपके सामने। देखिए, संक्रमण बिंदु, लोक भाषा, शिष्ट काव्य, गद्य साहित्य और लोक उपयोग। अब जो नोट्स आएगा मार्केट में ना, तो इसी तरह से आएगा, लेकिन आप लोग इस तरह से मत लिखिएगा, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, इसको उलट दीजिएगा, समझ रहे हैं। ये जो एरो का मार्क है ना, ये ऊपर की ओर बनाइएगा ऐसे करके, लोक भाषा फिर ऊपर, शिष्ट काव्य ऊपर, इसको बस पलट दीजिएगा। आप समझ रहे हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, इसको बस पलट दीजिएगा, या तो फिर आप लोग बॉक्स बनाइएगा, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, एक बॉक्स बनाइएगा और एरो मार्क दीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है, बॉक्स बना के एरो मार्क दीजिएगा और पांच स्टेज को लिखिएगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है यहां पर संक्रमण बिंदु। तो संक्रमण बिंदु किसको कहते हैं, संक्रमण बिंदु या ऐसा पॉइंट, मतलब कि जिस क्षेत्र पे, देखिए हम लोग का क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू के हैं हम लोग, तो छोटा नागपुर प्लेटू में इसका उद्भव हुआ है, इसीलिए बोला जाता है झारखंड प्राकृत। क्या बोला गया है, देखिए यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए यहां पर झारखंडी प्राकृत से नागपुरी का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो झारखंड का क्षेत्र वही हुआ संक्रमण बिंदु, एक पॉइंट जहां से भाषा की शुरुआत हुई, ठीक है। दूसरा लोक भाषा, लोक भाषा क्या है कि संक्रांत होके कोनो भाखा कालक्रम में लोक भाखा का रूप धैर लेवेला। क्या बोला जा रहा है, संक्रांत होके, संक्रांत होना का मतलब समझ रहे हैं, संक्रांत होके क्या मतलब क्या होता है, संक्रांत का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि हमारे पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी एक भाषा चली आ रही है, तो उसी को कहा जाएगा संक्रांत होके कोनो भाखा कालक्रम में, कालक्रम मतलब कि समय के साथ लोक भाषा का रूप धारण करता है,
समझ रहे हैं, यही लोक भाषा लोक साहित्य का एक प्रकार होता है। ठीक है, इसी में लोक भाषा में लोक साहित्य होता है, लोक गीत होता है, संस्कृति होता है, लोक संस्कृति होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी को कहा गया लोक भाषा। पहला स्टेज क्या हुआ? संक्रमण बिंदु। दूसरा स्टेज हो गया लोक भाषा। तीसरा क्या होता है? शिष्ट काव्य। अब कोई भी लोक भाषा में योग्य पुरुष मन, देखिए यहां पर लिखा है जोग मनुख मन द्वारा, आप लोग योग्य लिखिएगा या फिर जोग लिखिएगा, जैसा भी आप लोग चाहें देखिएगा, योग्य मनुष्य मनुष्यों के द्वारा लोक भाषा में शिष्ट काव्य की रचना होती है। शिष्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? शिष्ट का मतलब होता है डिसिप्लिंड वे में किसी चीज को लिख देना, अरेंज कर देना। तो लोक भाषा होता है ना, लोक साहित्य जो होता है ना, वो बिखरा पड़ा हुआ रहता है। मान लीजिए एक घर है जिसमें सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, सब मेस्ड अप है, ठीक है, उसी को अगर अरेंज्ड कर देते हैं, अरेंज्ड वे में रख देते हैं, तो वही घर कितना सुंदर दिखता है। तो वही चीज है, लोक भाषा या लोक साहित्य को अरेंज कर देते हैं ना, तो उसी से शिष्ट काव्य निकलता है। ठीक है, शिष्ट, शिष्ट का मतलब होता है वही जिसको लिख दिया जाता है, रच दिया जाता है, प्रकाशित होता है, तो उसी को कहेंगे शिष्ट साहित्य या फिर शिष्ट काव्य की रचना होती है। किससे होती है? तो लोक भाषा से होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर होता है गद्य साहित्य। ठीक है, तीसरी अवस्था के बाद गद्य साहित्य होता है। देखिए लोक भाषा में जो होता है ना, लोकगीत सब आता है। ठीक है, लोकगीत सब तो चलिए आता है कि पहले लोकगीत ही सबका ज्यादा प्रयोग होता था, लेकिन गद्य नाटक लिखना, संस्मरण लिखना, लेख लिखना, ये सब गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। तो तीसरी अवस्था यानी कि शिष्ट काव्य के बाद अवस्था कर बाद, यानी कि तीसरी अवस्था मतलब क्या, शिष्ट काव्य कर बाद गद्य साहित्य कर सृजन होवेला। गद्य साहित्य मतलब कि किसी के बारे में नाटक लिखा जा रहा है, किसी के बारे में लेख लिखा जा रहा है, रचनाएं हो रही हैं, है ना, संस्मरण लिखा जा रहा है, तो उसी को कहते हैं गद्य साहित्य। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? फिर ये चारों स्टेज के बाद पांचवा स्टेज जो होता है उसी को कहा जाता है व्यापक लोकपयोग। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग? किसी भी भाषा है तो उसका विकास का क्रम क्या है उसको देख रहे हैं। तो बता रहे हैं क्या डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, बतला रहे हैं कि किसी भी भाषा का विकास का क्रम ये पांच ठो होता है। अच्छा, इसी पांचों विकास क्रम के को जानते हुए हम लोग नागपुरी का विकास क्रम भी सीखेंगे आज के डेट में। तो ये पांचों देख लीजिए, पांचवा पॉइंट है व्यापक लोक उपयोग, चौथा अवस्था पार करके बाद कोनो भाखा कर शिक्षा और दूसर क्षेत्र में उपयोग होवेला और राष्ट्रभाषा बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा नागपुरी भाषा कर विकास कर बारे में प्रकाश डालो या फिर विवरण देव, नागपुरी भाषा कर विकास कर विवरण देव, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे, स्टेजेस बतलाना होगा। अच्छा, एक चीज और, काल क्रम और विकास क्रम अलग होता है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, काल क्रम और विकास क्रम अलग होता है। काल क्रम इज द पार्ट ऑफ, ओनली अ पार्ट ऑफ विकास क्रम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? काल क्रम जो होता है जिसे बोलता है ना काल, काल विभाजन। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? कि प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, ये जो काल है ना वो विकास क्रम का एक पार्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसको आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसको फ्यूज मत कीजिएगा एकदम। इसीलिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा के बताया जा रहा है कि देखो भैया विकास क्रम अगर आएगा तो आपको यही लिखना है। ठीक है, इस तरह से फिगर ड्रॉ करना है, इसको आप लोग उलट के लिख सकते हैं, जो एरो नीचे है इसको ऊपर की ओर एरो बना के आप लोग लिखिएगा। ठीक है, कहें कि डिफरेंट डिफरेंट सबका आंसर राइटिंग होना चाहिए, या तो फिर यहां पर जैसे कि ये बॉक्स है, यहां पर देख रहे हैं बॉक्स, इसमें एरो डालिए फिर दूसरा बॉक्स, फिर एरो डालिए फिर दूसरा बॉक्स, ऐसे करके बनाइएगा। तीन तरीका हम लोग हर चीज में बतला रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग का आंसर राइटिंग, आप लोग का नोट्स कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट रहे। ठीक है, आप लोग को जो डिजाइन पसंद है अपने आप चूज कीजिए और अपना नोट्स मेकिंग कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग इसी से, इसी विकास क्रम के जो पॉइंट्स हम लोग अभी देखे उसी से नागपुरी को कनेक्ट करके हम लोग नागपुरी का विकास क्रम देखेंगे। ठीक है, कैसे? नागपुरी भाखा कर विकास हो, ऊपरे देवल अवस्था से पैर भेके
आज हमारे मन के बीच प्रचलित है, यानी कि नागपुरी भाषा का भी जो विकास हुआ है ना, ऊपर दिया हुआ अवस्था से पार होके, इन स्टेजेस से पार होके आज हम लोगों के बीच प्रचलित है। पहला अवस्था है, पहला अवस्था में नागपुरी जोन क्षेत्र कर भाखा है उ मागधी प्राकृत कर खेजा में आवेला। ये हम लोग तो सबको जग जाहिर है, जानते हैं मागधी प्राकृत कर खेजा में आता है, ठीक है। तब तो ये बात निश्चित हो है कि ये भाखा कर विकास स्थानीय रूप से होई होवी, जेकर मूल कारण संभवतः हिया कर आदिवासी मनक से संपर्क और उ मनक प्रभाव है। आप लोग बस इस चीज को जानिएगा कि मागधी अपभ्रंश से नागपुरी निकला है, सर्वमान्य यही है, ठीक है। मागधी अपभ्रंश बोला जा रहा है, मगध साम्राज्य था उस समय, इसीलिए, ठीक है। अगर करंट की बात करेंगे तो झारखंडी प्राकृत आप लोग लिखिएगा, लेकिन आप लोग जो पुरानी जब जो प्राचीन अवस्था जो है मागधी प्राकृत ही लिखिएगा, वो ज्यादा सर्वमान्य है, ठीक है। अच्छा, निश्चित हो गया है कि विकास जो हुआ है स्थानीय रूप से हुआ है, और जिसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ के आदिवासी लोगों के साथ संपर्क, ठीक है, और उनका प्रभाव। तो ऐतिहासिक अवशेष मन की बात कर प्रमाण है कि यहाँ पांचवी से छठी शताब्दी कर आसपास आर्य मन कर बसल हो गए, पांचवी छठाब्दी से छठी शताब्दी के आसपास आर्य मन बसल हो गए कर यहाँ पर लिखा गया है, इसको हटाते हैं। आर्य लोग जो है ना वो बसे हुए होंगे, ठीक है। नागपुरी किसके परिवार, कौन सा भाषा परिवार क्या खेजा में आता है, आर्य भाषा परिवार कर खेजा में आता है। नागपुरी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ऐतिहासिक अवशेष प्राचीन प्रमाणों से ये पता चलता है कि पांचवी से छठी शताब्दी के आसपास आर्य लोग यहाँ पे बसे हुए होंगे, और ऊ मन कोनो शब्द रचना हमारे मन के अखन तक नहीं मिल है, मुदा तत्कालीन सिद्ध मनुख मनकर सूक्ष्म, ये छ ऐसे नहीं होगा, छ आपको, अच्छा अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, लेकिन छ से छतरी होता है ना, वो वाला लिखिएगा आप लोग। सूक्ष्म विश्लेषण से ईसन लगेला कि ऊ मनक, ऊ मनक मतलब किसकी, आर्य मनकर पद में कुछ शब्द नागपुरी कर मिसाइल है, ठीक है। और हो सकेला ओहे शब्द मन आगू नागपुरी कर स्वतंत्र रूप दे हो गए, ठीक है। तो एक उदाहरण हेठे देवल है, ये पुराना आर्य लोगों के द्वारा लिखा गया है कि ऐसे बिशन संधि को पैसे, ठीक है, ऐसे बिशन संधि को पैसस जो जय अस्थिर जाओ न दीस सो बट ठई परिचित सणो हऊ ताकि होइण होइ व जेहू, ठीक है। अभी आर्य भाषा लोग का है तो उतना हम लोग को उतना समझ में नहीं आता, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज जो है वो नागपुरी भाषा का शब्द दिखता है। अब उसी को पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी ऊपर देवल पद्य कर विश्लेषण करे ना और कहे ना कि ऐसे, ऐसे क्या है, ये एक तरह का नागपुरी शब्द है। पैसस दिशई पैसे, ये सब क्या होता है, ये सब घुसना, पैसे का मतलब था घुसना नागपुरिया में। दिशक, दिशक तो हम लोग बोलते हैं दिखना नागपुरिया में। आदि क्रियाओं का नागपुरी रूप तथा होई नागपुरी का रूप है। जेहो नागपुरी का जेहो का रूप, जेहो हम लोग बोलते हैं ना उसका रूप है। मतलब शब्दों को उठा के बताया जा रहा है कि देखो भाई ये प्राचीन आर्य लोग का एक पद्य है, उस पद्य का विश्लेषण करके पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी बता रहे हैं कि इसमें जो मुद मुद शब्द सब है, जैसे कि ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, पैसे हो गया, ठीक है, ये सब जो है नागपुरिया का शब्द है। देखिए दिशेक हो गया, ठीक है, तो ये सब सब नागपुरी का होई हो गया, नागपुरी का शब्द है। तो ये सब शब्द को देखने पे ये लगता है कि उस समय नागपुरी जो है ना मिसाइल होगा, मिक्सित होगा, मतलब मिश्र होगा, मिश्रित भाषा के रूप में, और जो आगे चल के स्वतंत्र भाषा का रूप लिया होगा, ठीक है, इसी बात को बोला जा रहा है। ऊपरे देवल विश्लेषण से ऐसन, ऐसन नहीं होगा, ईसन होगा, ठीक है, यहाँ पर ईसन होगा, ये लगता है थोड़ा सा टाइपिंग का, इसमें होगा ईसन, ठीक है, ईसन लागेला कि क्षेत्रीय अपभ्रंश से पांचवी छठी शताब्दी कर आसपास नागपुरी भाका संक्रांत यानी कि पसर, पसरा होगा, पसैर, पसैर यहाँ पर पसैर होगा,
संक्रांत वर्ड अगर आप लोग लिखते हैं एग्जामिनेशन में भी तो पसैर भी लिख सकते हैं, संक्रांत या पसैर यानी कि फैला होगा, इस बात को यहां पर बताया जा रहा है। तो पहला स्टेज हो गया, अब दूसरा स्टेज उसी को हम लोग दूसरा चरण लिखे हैं, ठीक है। भाखा विज्ञान कर अनुसार की अनुमान लगावल जा सकेला कि लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी में नागपुरी कर बोल चाल वाला स्वरूप आई जाई हुई, 9वां से 10वां शताब्दी में, 5वां से 6ठी शताब्दी में बोला जा रहा है कि आर्यमन लोग थे और उन लोगों की भाषा जो थी ना प्रथम स्टेज में उसमें नागपुरी के कुछ कुछ शब्द मिलते थे। दूसरा चरण में क्या बोल रहा है ना कि 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास जो है ना नागपुरी भाषा का स्वरूप बोलचाल के रूप में आ गया होगा। कहा लेकिन अपभ्रंश कर रूप के छोड़कर आधुनिक भाषा मन कर विकास यह युग में देखा जाएगा। पहले भी हिंदी नहीं बोली जाती थी, कोई अपभ्रंश उस क्षेत्र का अपभ्रंश, सौरसेरी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश, ये सब का यूज होता था। तो अपभ्रंश का रूप छोड़ के आधुनिक बोलचाल वाला भाषा का रूप 9वां से 10वां शताब्दी में आ गया था, इस बात को बोला जा रहा है। तो और भाषा का अगर आया होगा तो नागपुरी का भी आ गया था, इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। नागपुरी भाखा इबेरा में विकसित हो चुक हुई, इकर लिख गया है, इकर कोनो लिखित प्रमाण तो नखे, मुदा लोकगीत मनकर भरमार 14वीं 15वीं शताब्दी में शिष्ट काव्य कर परंपरा कर प्रचलन, लोकगीत मन में लोक रूढ़ी मान यानी कि स्थानीयता कर प्रखरता एवं स्थानीय पावस आदि छंद मन के देख के ईसन लागेला, ऐसन लिख दिया है ईसन लागेला कि ई बेरा तक नागपुरी लोकगीत मनकर प्रचार प्रसार हो जाए होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसको आप लोग लिखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। फिर तीसरा चरण क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, तो स्टेज हम लोग देख लिए कि भाई नागपुरी भाषा का उद्भव कहां से हो रहा, मतलब कि विकास का क्रम क्या है। पहला स्टेज कि 5वीं 6ठी शताब्दी में कुछ शब्द मिला, 9वीं 10वीं शताब्दी में अपभ्रंश को छोड़ के बोलचाल की भाषा में आ गया। अब तीसरा चरण में क्या बोला जा रहा है सो देखते हैं कि तीसरा चरण नागपुरी में भक्ति गीत मन प्रचुर रूप में देखा जाएगा, निर्गुण सगन दोनों क्षेत्र में इकर इकार लिखा गया है, इसको इकर लिखिएगा ना, इकर पूर्ण परिया से परंपरा देखा जाएगा। एक बट हिया कबीर पंथी मनक शिष्य परंपरा जीवित है, तो दूसर बट चैतन्य महाप्रभु कर वैष्णव संप्रदाय देखल जाएला, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय दिसेला, यहां पर दिसेला कर दीजिए, दिसेला, ठीक है। रामावत संप्रदाय भी हिया उतने लोकप्रिय रहा है, ठीक है। महाप्रभु चैतन्य सन 1485 ईस्वी में ई क्षेत्र से होके मथुरा धाम कर यात्रा कर रहे हैं। इनकर से पहले सन 1401 ईस्वी में हापा मुनिकर विष्णु मूर्ति और सन 1473 ईस्वी में कोरांबे में वासुदेव राय जी कर मूर्ति स्थापित भेज जाई रहे। इस बात से पता लगेला कि ई क्षेत्र भक्ति आंदोलन से प्रभावित रहे। हो सकेला ओहे परिया में यहाँ शिष्ट काव्य कर रचना हुई होगी। नागपुरी कर ढेर कवि मनक जीवन काल अखन तक सफा सफा पता नखे, जैसे हनुमान सिंह का जन्म काल क्या है नहीं पता है हम लोग, बरजूराम पाठक का नहीं पता है, ठीक है। तो अखन तक कर जानकारी कर अनुसार सन 1600 ईस्वी कर आसपास से नागपुरी में भक्ति गीत मन कर धारा तेजी से बढ़ते दिसेला, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है सो हम आपको बताते रहे कि थर्ड स्टेज में बोला जा रहा है ना भाई कि हम लोगों में भक्ति आंदोलन चला था, याद है आप लोग जो हिस्ट्री पढ़े होंगे तो भक्ति आंदोलन भी आप लोग देखे होंगे। तो भक्ति आंदोलन का भी रूप यहाँ पर नागपुरी में दिखता है, क्या है कि नागपुरी में एक तरफ लोग कबीरपंथी लोग भी दिखते हैं, एक तरफ लोग आपको चैतन्य महाप्रभु पंथी लोग भी मिलते हैं, रामावत संप्रदाय का लोग भी मिलते हैं, राम के गीत पाए जाते हैं, ठीक है। 1401 ईस्वी में हपा मुनि का विष्णु मूर्ति मिला था हपा मुनि में, ठीक है। हपा मुनि कर विष्णु मूर्ति, हपा मुनि में तो देवी माया की मूर्ति है जी, ठीक है, और कोरांबे में वासुदेव राय जी की मूर्ति, अच्छा ठीक है, चलिए ना हपा मुनि कर विष्णु मूर्ति ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो हपा मुनि कर मंदिर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, मंदिर ऐसे कर देते हैं, कहे कि विष्णु मूर्ति हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, अगर होगा तो आप लोग बतलाइएगा। और सन 1473 ईस्वी में कोरांबे में वासुदेव राव जी कर मूर्ति का स्थापना भी रहे। तो ये सारा चीज को इस तथ्य को रख रहा है, बोल रहा है कि भाई देखो थर्ड स्टेज जो था ना, अब देखो भक्ति परंपरा शुरू हो चुकी है, ठीक है, और ज्ञात कवि को भी मिल चुका है। क्या बोल रहा जा रहा है
कि रघुनाथ नृपति, ठीक है, 1600 ईस्वी के आसपास नागपुरी में भक्ति गीत का धारा बहुत तेजी से बढ़ते दिख रहा है। और रघुनाथ नृपति जो है इस कालखंड के कवि हैं जो कि नागवंश के पांचवा राजा रहे, ठीक है। नागवंशावली के अनुसार उनका राजकाल सन 1626 से 1668 ईस्वी तक है, ये नागवंशावली के अनुसार है, ठीक है। वही कलकत्ता गजिटिएटर में उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है शायद, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ स्पेशली मेंशन कर दिया गया है नागवंशावली के अनुसार, ठीक है। चुटिया का राम मंदिर भी इनके द्वारा ही बनवाया गया है। रामगढ़ का राजा दलेल सिंह, उनका आश्रित कवि पदुमन दास एवं रुद्र सिंह आदि मन की कालखंड कर दूसर कवि मन हक है, माने 1600 ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। 1600 ईस्वी की बात आप लोग ईस्वी याद रखते जाइए। पहला क्या है, पांचवा से छठी, उसमें नागपुरी शब्द मिला। दूसरा क्या हुआ, नौवां से दसवां ईस्वी, उसमें नागपुरी भाषा का मतलब कि भाषा का रूप धारण कर लिया। फिर 13वां से 14वां ईस्वी आप जो देख रहे हैं उसमें आपको भक्ति धारा ये सब दिख रहा है, ठीक है। श्रेष्ठ काव्य परंपरा ये सब मिलने लग गया 14वीं 15वीं, ठीक है। उसके बाद अब देख रहे हैं 1600 ईस्वी तक में देखिएगा कवि ये सब का भी जिक्र मिलने लग गया है, इसी बात को बोला जा रहा है, ठीक है। अब आगे है क्या कि काल क्रम से इस गीत मन में पूर्णा हिंदी काव्य भाखा और बंगला कर प्रभाव सफा दिशेल। क्या बोला जा रहा है कि काल क्रम जिसे जिसे काल बढ़ते गया, समय बढ़ते जा रहा है, तो श्रेष्ठ गीत में हिंदी काव्य भाषा आ गया, नागपुरी में हिंदी मिलने लग गया और बंगला का प्रभाव दिखने लग गया, ठीक है। और इसके प्रमुख कवि लोग भी थे, हनुमान सिंह, जय गोविंद, बिनंदिया, गौरंगिया, कवि मनकर गीत इकर उदाहरण है। मतलब ये सब जो भी गीत लिखते थे रघुनाथ नृपति सब, उसमें हिंदी और बंगला का प्रभाव दिखता था नागपुरी के साथ साथ। ई बेरा में नागपुरी गीत मनकर भाखा अपन अस्तित्व के बढ़ाए लागेला, मतलब इस समय 1600 ईस्वी के आसपास जो है ना अपना अस्तित्व खोते जा रहा था, मतलब रास्ता भटक जा रहा था, बढ़ा रहा था मतलब कि रास्ता भटक रहा था, बढ़ाए जात रहे मतलब कि रास्ता भटक रहा था। मुदा बाद में महाकवि घासी कंचन दृक्पाल राम देवघरिया मन इके फिर से प्राकृत नागपुरी कर धारातल में लायके अपन सुर देवे ना, तो फिर से इसको जो है ना कौन कौन देखिए, महाकवि घासी की बात की जा रही है, कंचन की बात की जा रही है, ठीक है, और दृक्पाल राम देवघरिया की बात की जा रही है, वो नागपुरी धरातल में फिर से खींच के ले आए कि भाई बंगला बंगला का जो प्रभाव था, बंगला का प्रभाव, हिंदी का प्रभाव, अब इसको प्योर नागपुरिया में खींच के ले आए, ठीक है। अब नागपुरी भागा कर यह स्वरूप विस्तरित है और श्रेष्ठ काव्य में प्रयुक्त नागपुरी अपन गौरव विस्तार करत है। तो ये सब पॉइंट है, इसको आप लोग रखिएगा, जो कि तीसरा स्टेज है। अब आइए चौथा स्टेज में आते हैं। चौथा चरण जो है वो गद्य क्षेत्र, ऊपर जो देखे थे ना वो पद्य था, गीत था, काव्य था, श्रेष्ठ काव्य था, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग गद्य क्षेत्र में, जिसमें कि नाटक आ जाएगा, लेख आ जाएगा, कोई रचना हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा, ठीक है। तो उसी बात को बोला जा रहा है कि गद्य क्षेत्र में नागपुरी कर प्रवेश कर सबसे पुराना आभास सन 1401 ईस्वी कर एक न्यास वाक्य कर हिंदी कर सूक्ष्म पर्यवेक्षण से मिलेला, ठीक है। अब वो क्या है, ओकर शब्द एवं वाक्य विन्यास से नागपुरी शब्द एवं वाक्य विन्यास कर समीपता कर बोध होवेला। वाक्य विन्यास मतलब वाक्य का एक वाक्य खंड, ठीक है। तो ई एक पंक्ति है, कुछ ई लिखे है, तो उसका हम एक एग्जांपल आपके सामने दे दिए हैं कि देखिए एक वाक्य विन्यास है, ये कुछ पंक्ति है कि यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा में कि सही हम छोटा नागपुर के महाराजा शिवदास करण ई देवता को मंदिर बनवाए को मौजे हपा मुनि जो छोटा नागपुर राजा को गुरु होएंगे उनका सेवा पूजा कराएंगे। देखिए ये पूरी तरह से हिंदी भी नहीं है, पूरी तरह से नागपुरी भी नहीं है। राजगुरु के वास्ते यह मौजा ई देवता का पूजा भंग कर करे करावे ते के भला ना जाए, ई श्री महाविष्णु देव का मूर्ति शेषारूढ़ है। महाविष्णु देव का मूर्ति वही जी हपा मुनि का ही है, ठीक है। श्री वासुदेव राय महाप्रभु ओ ई मूर्ति एके स्वरूप है। तो ऊपर देवल उदाहरण जो है ना ये डायरेक्ट बीपी केसरी की बुक से उठा के आपको सामने रखा जा रहा है कि ऊपर देवल उदाहरण नागपुरी कर शब्द प्रयोग के दिशावे दिखावेला, ठीक है। यह लगे कुछ तरह कर पट्टा मन में भी नागपुरी गद कर नमूना मन मिलेला, जैसे वो बेर कुर्सी बिरत पट्टा हो रहे तब ये कोई साल हाल देही सवा 324 जमा, और ये कुछ लिखा हुआ है गांव ताम्र शासन हिंदू हरामी, हिंदू पहले गाय खाए मुसलमान पहले से सुअर खाए, इस तरह से कोई पट्टा एक लिखा हुआ है। तो इसमें भी ना इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दे रहे हैं भैया, ये सन अभी ये क्या है सो बतला दे रहे हैं, ये सन 1763 ईस्वी
संवत 1850 साल का एक ताम्र शासन पट्टा है जो ऊपर जो लिखा हुआ है, और पट्टा में लिखल नागपुरी गद्य का उदाहरण है, ये नागपुरी गद्य का एक उदाहरण है। एकर से ये बात कर पता लगेला कि नागवंशी राजा नागपुरिया के राजकीय भाका कर पदवी दे रहे हैं, इस बात को यहां पर बतलाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे है, तुलसीकृत बाल कांड कर एक लिखित पूर्णा हस्तलिपि में एक ठन सन 1857 ईस्वी कर नागपुरी गद्य रूप देखे मिलेला, उकर में 1857 ईस्वी कर आंखों देखल हाल छापल रहे, ये बात को बोला जा रहा है। ये सब पॉइंट्स बताया जा रहा है कि देखो भाई थर्ड फोर्थ स्टेज में क्या क्या हो रहा है। जाहिर है, अब आगे जाहिर है, नागपुरी गद्य कर प्रयोग बोल चाल कर अलावा औरों लिखा पढ़ी में बहुत पहले से होत आवत रहे। लिखा पढ़ी मतलब समझ रहे ना, पट्टा पर्चा बन रहा है उसमें भी नागपुरिया लिखल जा रहा है। ठीक है, शिला लेख भी है उसमें भी नागपुरिया लिखा जा रहा है, इस बात को यहां पर बतलाया जा रहा है। ठीक है, कि पाछे चल के ईसाई पादरी मन, मतलब आगे चल के होना चाहिए, आगू चल के, आगू पाछे लिखा गया है, आगू चल के ईसाई पादरी मन एकर अध्ययन एवं ई भाखा कर प्रयोग अपन धर्म प्रचार प्रसार में करना है। ईसाइयों का प्रवेश हुआ था 1800 के आसपास, उन लोग भी अब अपना धर्म प्रचार तो करना है भाई, आए हैं तो किसी न किसी तरह से, और मोस्टली लोग सांस्कृतिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, तो क्या किए, सबसे पहले अपना वहां का लैंग्वेज सीखे, तो नागपुरी भाषा का प्रयोग इन लोग किए, उसका अध्ययन किए अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने में। ठीक है, सन 1914 ईस्वी में कलकत्ता अक्सिलियारी ब्रिटिश और फॉरेन बाइबल सोसाइटी द्वारा दूठो नागपुरी किताब को प्रकाशित किया, किसने किया ये, मतलब कि ईसाई धर्मावलंबियों ने। ठीक है, कलकत्ता अक्सिलियारी ब्रिटिश और फॉरेन बाइबल सोसाइटी, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये लोग दो ठो नागपुरी किताब प्रकाशित किए थे। एक है नागपुरी में नया नियम कर पहला ग्रंथ, मती से लिखित प्रभु यीशु ख्रिस्त कर सुसमाचार। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ख्रिस्त कर सुसमाचार, और दूसरा बुक है नागपुरिया में रोमी मन ले पावल प्रेरित कर चिट्ठी, ये है, ये दो बुक जो है, जो दो किताब है वो प्रकाशित किया गया। अब आगे बोला जा रहा है, ऊपरे देवल उदाहरण मन से सफा हो जाएला कि नागपुरी गद्य कर प्रयोग अलग अलग रूप में होत रहे, मुदा इकर साहित्यिक, एक मिनट, साहित्यिक से पहले कर रूप रहे, ये सब जो है ना साहित्य जो विकसित हुआ था उससे पहले का रूप है ये सब। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि नागपुरी गद्य साहित्य कर उपयोग हाल में ओर कई रहे, अब नागपुरी में कहानी नाटक निबंध लेख आलोचना जीवनी रेखा चित्रमन साहित्य रूप में लिखल जात है। ठीक है, ये सब क्षेत्र ने नवा प्रतिमान स्थापित हुआ थे, ये सब जो है नाटक हो गया, जीवनी हो गया, आलोचना हो गया, निबंध हो गया, ये एक नया तरह का प्रतिमान स्थापित हो रहा है, इस बात को बोला जा रहा है। अब आगे है अगला अवस्था, जो चरमावस्था जिसको कहते हैं, इसको चरम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला अवस्था मतलब कि पांचवा अवस्था, भाखा कर लोकपयोग से, लोकापयोग यानी कि लोकजन का उपयोग, उसी को कहा गया लोकापयोग। ठीक है, लोकजन जनमानस का उपयोग लोकापयोग से संबंधित लागेला, जेकर में लोकमानस भाखा कर प्रयोग सिनेमा कैसेट गीत पत्र पत्रिका मन में करेना। आधुनिक नागपुरी कर विकास भारत कर आजादी कर बाद से जोर धरलक, 1960 ईस्वी में नागपुरी भाखा परिषद कर स्थापना भेलक, और नागपुरी कर अलावा कर अलग पाठ्यक्रम रांची विश्वविद्यालय से ओर करलक, मतलब कि अलग पाठ्यक्रम में पढ़ना शुरू करा दिया लोग। 1960 में नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना हो गई। ठीक है, अब आगे है कि नागपुरी कर आधुनिक कवि मन लेखक मन और प्रोफेसर मन कर अथक प्रयास से नागपुरी कर अस्तित्व आज बाचल है, आज कल कर नवयुवक नवयुवती मन भी नागपुरी कर बारे में जानकारी लेवत है और इकर पूर्णा और समृद्ध विरासत के जाने अपनावे और आगू बढ़ावे में अपन योगदान देवत हैं। तो ये हो गया एक आपका परफेक्ट आंसर कि नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में अगर विश्लेषणात्मक वर्णन करना पड़ेगा तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो भाई आप आंसर राइटिंग करेंगे, इसके अलावा नागपुरी भाषा का विकास को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नागपुरी भाषा का विस्तार के बारे में बताओ, पांच नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
ये है। और कुछ कुछ ये चीज है नागपुरी में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें आप लोग अपने अनुसार डाल लीजिएगा। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको ऐड किया जा सकता है, वो पॉइंट्स को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बना के आपके सामने रखा जा रहा है। जैसे कि नागपुरी गीतों में विदेशी शोधकर्ता लोग, जैसे कि आप लोग जो फोर्थ स्टेज जब हो जाएगा उसके बाद आज के डेट में, जैसे कि 1964 में बोन विश्वविद्यालय जर्मनी में मोनिका जॉर्डन ने इसमें शोध किया, फिर केरोल बॉबी राकी ने 1981 अमेरिका में इसमें शोध किया, फिर 1971 में डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और बीपी केसरी नागपुरी साहित्य और गीतों पर शोध कार्य संपन्न किया। तो ये सबको आप लोग पॉइंट बना के एक लिख लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स में इसको पुट कीजिएगा, ठीक है। नागपुरी लोक वशिष्ठ गीतों का संकलन व मुद्रण का कार्य 1910 ईस्वी से ही प्रारंभ हो जाए रहे, ये हो गया था लिखा हुआ, लेकिन आप लोग हो ही जाए रहे लिखिएगा, ठीक है। फिर है 1911 में नागपुरी भाग शतक फगुआ गीतों का संकलन नागपुरी कवि घासीराम जे करकट मसमानो के रहे, स्पॉन्सर था मसमानो ठाकुर गांव के गोकुलनाथ सहदेव द्वारा, नागवंशावली झूमर भी नागपुरी कवि घासीराम चरित है, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। उसके बाद फिर है 1918 में धनीराम बक्सी ने हितैषी कार्यालय की स्थापना की, फिर 1927 में हितैषी प्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद है 1925 में धनीराम बक्सी ने देसी झूमर के 8 भागों का प्रकाशन किया, ठीक है। इसका चौथा भाग जो है देसी झूमर का, ग्रामो फॉर रिकॉर्डिंग, पति बिना निंदा न हमारी ऐसे करके था, उसका रिकॉर्डिंग किया गया। और झूमर गीत को पहली बार HMV कैसेट पहले आता था याद कीजिए, हिज मास्टर वॉइस में इसको ऐड किया गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे है 1950 चर्च रोड स्थित शिव गोविंद साहू के HMV में दूसरा गीत, कवन नगरे कृष्णा चलती बरात हो, दूध दही ले ले बहुरा तेरे। ये सब एक पॉइंट हम आपको दे दे रहे हैं जो आप नागपुरी भाषा उद्भव और विकास के क्रम में जो आधुनिक नागपुरी का विकास हुआ है उसमें ये सब पॉइंट्स को रखेंगे, ठीक है। हालांकि आंसर राइटिंग में ये सब क्वेश्चन फ्रेम करके आपको हम लोग देंगे जिसको आपको आंसर राइटिंग करना होगा, तो हम लोग पहले से ही आप लोग को बता दे रहे हैं कि भैया ये सब पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करके रखिए, आगे काम आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, राम बक्सी ने ही, धनी राम बक्सी ने ही हितैषी प्रेस से चाईबासा से 1927 से 1965 तक 31 पुस्तकों का प्रकाशन किया, ठीक है। फादर पीटर शांति नौरंगी 1937 में प्रेम लहरी नागपुरी डमकच गीत ईसा मसीह के जीवन को प्रकाशित करने वाला इसको लिखा था। फिर आगे जोहन करकट्टा के सदरी धर्म गीत, धर्म गीत काफी प्रसिद्ध हुए, सदरी धर्म गीत जो कि एक धर्म गीत था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। नौरंगी जी इस सदानी रीडर और नागपुरी सदानी साहित्य में लोक गीतों को भी संकलित किया है, ठीक है। फादर पीटर शांति नौरंगी का नागपुरी सदानी साहित्य 2 खंड में है, पहला खंड गद्य है जिसमें 8 लोक कथाएं हैं और दूसरा खंड पद्य कविता है जिसमें 103 लोकगीत तथा 7 भजन है। ये सब पॉइंट है जो आपके सामने हम रख दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, 27 जुलाई 1957 को आकाशवाणी रांची केंद्र की स्थापना हुई, 1984 में दूरदर्शन केंद्र रांची आ जाने पर नागपुरी गीत को एक नई ऊंचाई मिली। 1984 में ही संजय वासी मलिक ने चेतना कैसेट नागपुर कर कोरा इतिहास रचा, नागपुर कर कोरा करके एक कैसेट आया था जो चेतना कैसेट था, उसका मालिक थे संजय वासु। 1992 में नागपुरी फिल्मों के जनक धनंजय नाथ तिवारी ने सोना कर नागपुर जो कि पहला नागपुरी फिल्म था उसको बनाया था, और फिर 1995 में दूसरी नागपुरी फिल्म रवि चौधरी प्रीत और फिर मोर प्रतिज्ञा बनाए थे, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज है जो पूछा जाता है जो आपको लिखना होगा कि नागपुरी भाषा का विस्तार, इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हम लोग क्योंकि आपको नोट्स दे रहे हैं, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, एक क्लास दे रहे हैं, तो इसी क्लास में आपको बता दिया जा रहा है कि नागपुरी भाषा का विस्तार, उसके बारे में भी जब आप लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा कि नागपुरी कर दूसर नाम, नागपुरिया, सदानी, सदरी, सादरी, गावली, गवली, सबको हटा दीजिएगा, नहीं लिखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। दिक्कू काजी है, इसको आप लोग रखिएगा, ठीक है। नागवंशी महाराजा मनकर शासन काल में नागपुरी छोटा नागपुर या झारखंड का राजभाषा रहे,
गोटा झारखंड में नागपुरी भाषा कर बोलवैया कोनो न कोनो रूप में सबसे बग रहा है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक इंडिया का मैप लीजिएगा और नागपुरी भाषा क्षेत्र को आप लोग दर्शाइएगा, जो कि होमवर्क रहेगा, क्योंकि झारखंड का मैप बना के आप लोग तो बताइएगा ही कि झारखंड के अलावा नागपुरी क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ कर जसपुर नगर, अंबिकापुर, सरगुजा, कुनकुरी, कोरम्बा, कोरबा, कोरिया, फरसा बहार, दलदली, बोरवी, बगीचा, आमडीहा, चांद भाखड़, पत्थल गांव से बिलासपुर तक है। ठीक है, ये पश्चिम में है। दक्षिण में वही उड़ीसा का राउरकेला, राजगंगापुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, गोविंदगढ़ बाबा। देखिए सबको नहीं डालना है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स को आप लोग डालिएगा। ठीक है, और पूर्व में सिल्ली, यहाँ पर पूर्व होगा ना, पूर्व लिख गया, पूरब होगा, पूरब, पूरब में सिल्ली, झालदा, पुरलिया, बांकुड़, मिदनापुर, झाड़ग्राम तक। ठीक है, पश्चिम में दे दिए, दक्षिण में दे दिए, यहाँ पर ये कर दे रहे हैं ताकि आप लोग का हो जाएगा। दक्षिण में ये होगा, पूरब में ये होगा, ठीक है, और उत्तर में ये होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। इंडिया का एक मैप रहेगा और जिसमें कि ये सबको आपको दिखलाना होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। बस इतना ही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें ये भी आप लोग बोलिए, असम कर चाय बगान और अंडमान निकोबार कर क्षेत्र में भी नागपुरी भाषा बोलल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कामगर लोग वहां गए और नागपुरी बोलने लग गए। नागपुरी के सोप जाइत कर आदमी मन बोले ना, ये सब मतलब ये सिंपल पॉइंट्स है। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सरना लोग सब कोई अपन जिंदगी में माय भाषा कर रूप में एक व्यवहार करें ना, बल्कि कटिक आदिवासी जैसे चीख बड़ा एक बेदिया तुरी बाल्मुखी समुदाय मनक ई माय भाषा बन जाए है। तो इतना पॉइंट्स आपको लिखना होगा अगर बोला जाएगा तो। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर जानकारी आप लोग को दे दिया गया है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को दिया गया है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, और अपने अकॉर्डिंग आप लोग भी अपना इनपुट अपने नोट्स में जरूर से दीजिएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अपने हिसाब से आंसर राइटिंग भी कीजिएगा। आप लोगों को अब यही है क्वेश्चन, एक आप लोगों को सामने रख दिया जा रहा है कि नागपुरी भाषा में आधुनिकीकरण, नागपुरी भाषा में आधुनिकीकरण कर ऊपरे चर्चा करूं, ये एक क्वेश्चन है। इसको आप लोग लिखिए और जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, और जितना हो सकता है आंसर राइटिंग करके भेजा कीजिए, उससे आप ही का भला होगा। ठीक है, आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।